यूपी में सरकार और संगठन के बीच जारी खींच तनाव के बीच दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली बुलाए गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम को हिस्सा लेना है, लेकिन इस बुलावे को यूपी की सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शुक्रवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां सीएम योगी की पीएम से मुलाकात हो सकती है। इस दौरान सूबे के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि यूपी में सरकार और संगठन के बीच खींचतान की खबरें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही के दिनों में कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, जिसके बाद मनमुटाव की चर्चाओं को बल मिला। वहीं लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में डेरा डाल दिया था। चुनाव के बाद केशव प्रसाद मौर्य की कई बार तल्खी सामने आ चुकी है। भाजपा नेताओं ने इस बीच कई बार संगठन और सरकार में सब ठीक होने के बयान दिए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसने भाजपा में चल रहे घमासान को बार बार जगजाहिर किया। डिप्टी सीएम का सीएम योगी के साथ किसी बैठक में ना पहुंचना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बता दें, दिल्ली जाने से पहले ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे। इससे पहले प्रयागराज क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं गए थे। अब लखनऊ मंडल की हुई बैठक में दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे, पर संगठन में सब कुछ ठीक ना होने की फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य भले ही मुख्यमंत्री आवास पर हुई प्रयागराज मंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन अपने आवास पर पार्टी के तमाम विधायकों और सांसदों और साथ ही अन्य नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले प्रयागराज में ही कुंभ की तैयारी को लेकर आयोजित बैठक में वह शामिल नहीं हुए थे। बता दें कि इससे पहले मुरादाबाद मंडल की बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे। प्रदेश में 25-25 जिलों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के पास है, लेकिन उप मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में उप मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया जा रहा है। इस वजह से ही यह लोग बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही केशव सक्रिय हैं। उन्होंने भाजपा के साथ ही सहयोगी दलों के कई नेताओं को बुलाया और मुलाकात भी की। इसमें ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान के नाम भी शामिल है। केशव प्रसाद मौर्य इन मुलाकातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लामबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच शुक्रवार को जयपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी ही रहेंगे। पार्टी में चल रहे घमासान के सवाल पर कहा कि संगठन में लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। भूपेंद्र ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद यूपी में भाजपा सबसे ज्यादा मत प्रतिशत लाने वाली पार्टी है। हार के कारणों पर संगठन में बात होती है, अभी उपचुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी भी दिल्ली में ही हैं। उनकी पीएम मोदी से मुलाकात की चर्चाएं हैं। इस बीच संगठन के हालातों पर बात हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24।